चुलकाना धाम हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में पड़ता है। समालखा रेलवे स्टेशन से ये करीब 2.5 किलोमीटर है और बस स्टैंड से ये करीब 3 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विख्यात खबरें। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजीव गुप्ता। आज हम आपको लेकर आए हैं चुलकाना श्याम धाम। कहाँ पर है? श्याम धाम चुलकाना। श्याम धाम चुलकाना और समालखा के पास, जिसमें आपका श्याम बाबा का धाम है। और अभी हम बैठे हैं नाश्ते के लिए पवन हलवाई की। पवन हलवाई, इनके समोसा जरूर खाइएगा, समोसा चाय। और आपको भी दिखाया भी मंदिर का। ये चुलकाना गांव में श्याम बाबा का मंदिर है। श्याम बाबा ने यहाँ पे शीश का दान दिया था श्री कृष्ण जी को। प्राचीन मंदिर है श्याम बाबा का यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका यहाँ दान दिया था यहाँ जाए। और जो वहाँ पर राजस्थान में वो क्या है उनका, वहाँ ये शीश वहाँ पे प्रकट हुआ था पहाड़ों में। दान तो यहाँ पे दिया था, धड़ यहाँ पे इनका। अच्छा। हाँ, शीश इनका श्री कृष्ण जी वहाँ पर्वत रखा था। हाँ, उस शीश से उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। फिर बोलना अंत तक महाभारत में क्या हुआ था और किसका रोल था। पांडव ने कहा जी हम पूरे मैं जीत गया। हाँ, मैं जीता। अर्जुन कह रहे मेरे कारण ये जीत हासिल हुई है। तो ये जो श्याम बाबा ने बताया कि हाँ, इसमें मेन जो रोल था वो श्री कृष्ण भगवान जी का था, जिनका चक्र पूरी महाभारत में घूमता रहा। और आपको बताते हैं श्री श्याम बाबा ये घटोत्कच के पुत्र बर्बरी थे। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। आपको मैं संक्षेप में बताता हूँ, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे और जब श्री कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांगा, बर्बरीक ने कहा कि मैं शीश का दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता, क्योंकि श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बर्बरीक ने कहा आप सच बताएं, आप कौन हैं। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम हो, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं को वंदन किया और माता को नमन करके एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में लेकर अमृत से सींच कर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है, जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। अगर आप चुलकाना धाम ट्रेन से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको समालखा स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से चुलकाना धाम करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो समालखा बस स्टैंड से चुलकाना धाम करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है।